और आपको बता दें छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। आज ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, जिसको लेकर घाटों पर सभी लोग पहुंच गए हैं, व्रती यहां पर पहुंचे हुए हैं। पूरी तरह से यहां पर तैयारियां कर ली गई थी, अब से कुछ देर में डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तो आपको बता दें जिस तरह से लगातार छठ महापर्व की धूम देखी जा रही है, इससे पहले तमाम तैयारियां की गई थी और ये व्रत जिस तरह से 36 घंटे का एक बड़ा व्रत माना जाता है, महापर्व इसे कहा जाता है, और निर्जला व्रत ये रखा जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो तैयारियां की गई थी छठ पर्व को लेकर, वो अब पूरी होती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर अब व्रती जुटने लगे हैं। छठ महापर्व का तीसरा दिन आज है, छठ महापर्व की धूम दिख रही है। छठ पर्व को लेकर विशेष साज सज्जा की गई है, डूबते सूर्य को अर्घ दिया गया है। महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। घाटों पर एकत्रित हुए लोग, तो घाटों पर यहां पर लोग एकत्रित हुए हैं। अभी छठ महापर्व का आज तीसरा दिन और डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। छठ पर्व को लेकर विशेष साज सज्जा की गई है, तो माँ प्रकृति की आराधना का ये पर्व, और ऐसे में किस तरह से अभी भी ये अर्घ दिया जा रहा है, तो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का आज दिन है। छठ महापर्व का तीसरा दिन आज, ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर व्रती घाटों पर पहुंचे हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, छठ महापर्व का तीसरा दिन है ये। भगवान सूर्य देवता का इस दौरान पूजन होता है। सीएम शिवराज ने भी छठ पर्व की बधाई दी है। महिलाएं दूध और पानी से अर्घ देती हैं। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर छठ व्रती पूरे विधि विधान के साथ ये पूजा अर्चना कर रही हैं। महिलाएं बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती हैं, और छठ के तीसरे दिन खास महत्व इसका होता है, क्योंकि आज के दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। पूरी विशेष साज सज्जा यहाँ पर की गई है, घाटों को सुसज्जित किया गया है, जिसके चलते जो व्रती हैं वो यहाँ पर पहुँचे, और जो नदी है उन्हें स्वच्छ किया गया है। पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है। सीएम शिवराज ने छठ महापर्व की बधाई दी है। आपको बता दें कि महिलाएं बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत करती हैं। छठी माता से समृद्धि की कामना की जाती है। खास होता है छठ का तीसरा दिन और 36 घंटे का ये निर्जला व्रत रहता है, जिसमें पानी की बूंद भी नहीं पी जाती, और अगले दिन जिस तरह से उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, खास महत्व है इस पर्व का अपने आप में, और महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना करती है, छठी माता से समृद्धि का आशीर्वाद मांगती हैं। तो आज का दिन ढलते हुए सूर्य को अर्घ देने का दिन है, और ऐसे में तीसरा दिन है छठ पर्व का, जिसको लेकर उत्साह का माहौल अपने आप में दिखाई देता है, और पूरे विधि विधान के साथ ही पूजा अर्चना होती है। छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। सीएम शिवराज ने भी सभी को बधाई दी है, और आपको बता दें जिस तरह से इस पर्व को पूरे विधि विधान के साथ मनाया जा रहा है, और वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी लोगों को बधाई दी है। तो ऐसे में